एनडीए में आपसी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं आने पर रार खत्म नहीं हो रही है। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में ना पहुंचने पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। देखिए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, मजबूत हैं। भले ही एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो, मगर विपक्षी गठबंधन 234 सीटें जीतने में कामयाब रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। खड़गे ने कहा है कि एनडीए की यह सरकार गलती से बनी है और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं, वो बस पीएम मोदी की बातें दोहरा रहे हैं। सरकार बनने के बाद खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को गिराने या अपनी सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस आखिर इशारा किस तरफ कर रही है? अपने बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। आज इसी मुद्दे पर अपने गेस्ट पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा वार पलटवार सुन लीजिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता। देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। यही कहेंगे कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है, गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई इसलिए, और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहे। चुनाव में जनादेश नहीं मिला, 99 का चक्कर लगा हुआ है। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं, क्योंकि जनता की इच्छा से दूसरे दल आगे बढ़ के आए और ये तो ऊपर से नीचे आए। इनके मतों का प्रतिशत कम हुआ है, सीटें कम हुई। कि मोदी जी के पास मैंडेट नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? एनडीए के पास क्लियर मेजोरिटी है, 292 सीटें हम जीते हैं। इसीलिए खड़गे जी को मेरा सलाह है कि आप अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाइए। एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है, हमारी बहुमत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता मिला, सरकार हम लोग बनाया है और बेहतर काम करते हैं हम लोग, और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थीं पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। जैसे ही केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ ने कंट्राडिक्ट नहीं किया, उनकी कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं दिया। अरे, लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के, संविधान की बुक लेकर के, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी से ये कहना है, एक तो वो खुद 100 भी अपनी जगह नहीं ला पाए, और जितनी इंडी अघाड़ी उन्होंने बनाई थी उस पूरी अघाड़ी ने जितने उनके कुल सीटें आई है उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ भाजपा की सीट आई है। एनडीए भी 290 के आगे हम हैं। आपने झूठ बोल के वोट किया है महिलाओं का, मेरी बहनों को झूठ बोला है।